नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बिग बॉस ओटीटी के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। संबंध में पुलिस ने एल्विश समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव ने इस मामले में अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया है। एफआईआर में कहा गया है कि एल्विश यादव जहरीले और जिंदा सांपों के साथ नोएडा के फार्म हाउस में वीडियो बनाते हैं और रेव पार्टी करते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में विदेशी महिलाएं भी शामिल होती है और सांप के जहर को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। पिछले कुछ एक सालों में ऐसी रिपोर्ट भी सामने आती रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली की रेव पार्टियों में सांप के जहर की मांग बढ़ती जा रही है। लोग नशे के लिए सांप के जहर की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की रेव पार्टियों में सांप के जहर से बनी गोलियां या फिर सीधे सांप से कटवाकर नशा करने का चलन तेजी से बढ़ता हुआ बताया गया था। जानकारों के अनुसार सांप के जहर से जो नशा होता है उसे ड्रग्स लेने वाले लोग बहुत पसंद करते हैं। सांप के जहर ने पिछले कुछ सालों से पार्टियों में अपना प्रभाव बढ़ा दिया है, लेकिन अधिकतर लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं। सांप के जहर का आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोग तो नशे के लिए सीधे सांप से डसवाने को भी तैयार हो जाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति बढ़ गई है और उत्तेजना मिलती है। अगर किसी ने एक बार इसका नशा कर लिया तो वो दोबारा इस नशे के लिए जरूर वापस आता है। पार्टियों में मिलने वाले किसी भी ड्रग्स की तुलना में सांप के जहर का नशा बहुत पावरफुल होता है। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन सांप के जहर का नशा करने वाले लोग सबसे अधिक जहरीले कोबरा के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। कोबरा के जहर को पाउडर में बदला जाता है और फिर नशा किया जाता है। इससे 6 से 7 घंटे का नशा होता है। अगर आपने थोड़ा ज्यादा लिया है तो आपको 5-6 दिनों तक नशा रहता है। अगर आप सांप से सीधे खुद को डसवाते हैं तो नशा ज्यादा होता है। जिन लोगों ने इसका नशा किया है उनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे तब लेना शुरू किया जब वो स्कूल या फिर कॉलेज में थे। सांप का जहर गांवों के आसपास वाले इलाकों में आसानी से मिल जाता है। रेव पार्टियों की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार पार्टियों में जहां सामान्य ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2 से 5 हजार रुपए के बीच होती है, वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25 हजार रुपए से ज्यादा होती है। जो लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते हैं वो तस्करों या फिर सपेरों से सांप खरीदते हैं। नारकोटिक्स अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे लीटर सांप के जहर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से अधिक होती है। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।